नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लोकसभा चुनाव 2019 में हर रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियों ने कई नए चेहरे मैदान में उतारे हैं, वहीं कई सीटें हॉट सीट के रूप में उभर कर सामने आई। ऐसी ही एक खास सीट है वाराणसी की। वाराणसी में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस के बाहुबली नेता अजय राय। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सस्पेंस खत्म करते हुए आज उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बाहुबली विधायक अजय राय को मैदान में उतार दिया। हालांकि पिछले कुछ समय से नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने की अटकलें लगाई जा रही थी। कांग्रेस से अजय राय का नाम सामने आने के बाद वाराणसी का अखाड़ा तैयार हो गया है। अजय राय 5 बार विधायक रह चुके हैं और पहले वे बीजेपी में ही थे। 2009 में वाराणसी से उनकी जगह मुरली मनोहर जोशी को टिकट दिया गया था, जिसके बाद वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन उस चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रहे, जिसके बाद अजय राय ने समाजवादी पार्टी को भी छोड़ दिया और निर्दलीय विधायक चुने गए। विधायक बनने के बाद अजय राय कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी अजय राय ही कांग्रेस की तरफ से यहां के उम्मीदवार थे। हालांकि अजय राय को उस समय 75,614 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं अरविंद केजरीवाल 209,238 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और वहीं 5,81,022 मतों के साथ नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर थे। अजय राय के बारे में कुछ खास बातें भी हैं। अजय राय उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता हैं और उन पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं, जिनको लेकर बीजेपी कई बार अजय राय पर निशाना साध चुकी है। वाराणसी में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को कौन चुनौती दे रहा है, ये हमने आपको बताया आज की इस खास वीडियो में। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।